Hey everyone, welcome back to my channel. This side Tanya and you're watching Tanya's Handmade Heaven. तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है बहुत ही यूनिक से क्राफ्ट, जो कि आपको दिए से ही करने हैं। तो आपके घर में जहाँ पे भी दिए हैं वो आप बटोर के ले आइए, तो बनाते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ये मोल्डेड वाली क्ले ली है। आप मोल्डेड क्ले की जगह पे पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें एक मोल्डेड क्ले और एक पुट्टी का भी बनाया है। जैसे ये जो मैं दिया बना रही हूँ, तो ये इस पर मैं क्यूट सा रैबिट बना रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मतलब जब हम कोई छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसे बनाने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उसे बनाते टाइम पे। और जब मैं ये बना रही थी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि पता है जब हम छोटी वाली चीज़ों में डिटेल्स ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लगती हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक रैबिट बनाया है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सुई, सेफ्टी पिन या पिंस का भी यूज़ कर सकते हैं एज़ यूजुअल। तो मैंने यहाँ पे एक डॉटिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे इसकी आँख बना ली थी, और मैं लगा रही हूँ इसमें पैर। अब आप इसे एज आ कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो मिनिएचर वाले प्लांटर्स आते हैं। तो मैंने इस पे कर दिया था वाइट एक्रेलिक पेंट। अगर आपके पास में कोई भी एक्रेलिक पेंट है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने इसको किया था ग्रे कलर का, क्योंकि मुझे एक ग्रे कलर का रैबिट बनाना था। और जो इसके कान थे और जो पैर थे उसे मैंने पिंक कलर का किया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू वाला, ये मैंने पुट्टी से बनाया था। और जब मैंने इसे पुट्टी से बनाया, तो पुट्टी और मोल्डेड क्ले में मुझे ये अंतर पता चला कि पुट्टी से जितने भी हम क्राफ्ट बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, लेकिन जब हम मोल्डेड क्ले से कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो आप इसे कैंडल होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो टी लाइट कैंडल होल्डर्स होते हैं ना। तो बढ़ते हैं आज के सेकेंड DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक और दिया लिया है, यहाँ पे मैं फिर से एक मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये बनाई है बर्ड की टेल, और आपको बनाना है यहाँ पे बर्ड। आप चाहें तो यहाँ पे पीकॉक भी बना सकते हैं, या फिर कोई और भी जैसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड जो होती हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको एक छोटी सी लोई लेनी है, और उसको आपको ना एक पूड़ी की तरह बेलना है। पूड़ी की तरह बेलने के बाद में आपको पूरे दिए के ऊपर आपको फेविकॉल लगा देना है। बिना फेविकॉल के लगाएंगे ना तो ये चिपकेगा नहीं सही से। और जितने भी कॉर्नर्स हैं ना, मैंने इसको अच्छे से कट कर दिया था। और कट करने के बाद में ना, जितनी भी रॉ एजेस इसकी थी ना, तो उसको पानी से स्मूथ कर दीजिएगा, बिल्कुल आराम से स्मूथ हो जाती है। मैंने ये जितनी भी इसकी एजेस दिख रही थी वो मैंने सब के सब जो है पानी से ही स्मूथ किया था, ये देखिए। और ये स्मूथ होने के बाद में मैंने इसकी एक चोंच बना दी थी, और इसको वाइट एक्रेलिक पेंट कर दिया था। और अगर आप इस पर डायरेक्ट पेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पेंट भी कर सकते हैं। वाइट पेंट इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो भी चीज़ है उसमें कलर जो है ना वो खिल के आए। तो ये हमारी देखिए एक ये बर्ड थी, और तो अब इन बर्ड्स को देखने के बाद में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने एक मोल्डेड क्ले से बनाई है और एक आपने पुट्टी से बनाई है, क्योंकि देखिए हम चीज़ें बनाते हैं तो उसमें डिफरेंस केवल हम ही पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा सा वाइब्रेंट येलो एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। सच बता रही हूँ ना, जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं ना, तो आपका जो मन होता है ना इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि देखिए छोटी वाली चीज़ों में बनाने से क्या होता है ना, आपका जितना भी स्ट्रेस होता है वो निकलता है, और आप जो भी काम करते हैं ना उसमें ज़्यादा मन लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब कलर कर दिया था, और मैंने इसको येलो और ऑरेंज कलर का रखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर चाहिए था इसका। आप चाहें तो कोई और भी कलर ले सकते हैं। तो मैंने इसकी चोंच भी ब्लैक कर दी थी, हालांकि यहाँ पे मतलब आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं चोंच का। तो यहाँ पे देखिए हमने ये रख दिया था, और जो एक्वेरियम वाले पत्थर होते हैं ना, तो वो आप यहाँ पर ले लीजिएगा। और ये मैंने लिए हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट। अगर आपके पास में ये ना हो तो आप यहाँ पर बना भी सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा कितने ही क्यूट से ये लग रहे हैं प्लांटर हमारे छोटे छोटे से। और पता है क्या, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं उसके लिए कुछ बनाऊँगी। तो जब मैं वो बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी।
तो चलते हैं आज के नेक्स्ट DIY की तरफ। और ये DIY बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिया है दो दिए, और दो दिए लेने के बाद में मैंने इस पर लगाई है थोड़ी सी मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले को आपको इसलिए लगाना है ताकि ये दोनों दिए जो हैं आपस में स्टिक हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये मोल्डेड क्ले, और जैसे पुट्टी को हमें सुखाना पड़ता है, तो इस वजह से पुट्टी के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है कि अच्छे से वो सूख जाए। अगर नहीं सूखेगी तो फिर क्या होता है ना कि क्रैक्स आ जाते हैं पूरी हमारी जो भी आर्ट हमने बनाई होती है उसमें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक पतली सी इसको क्या कहते हैं जो भी था ये मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया है। मैंने रोल किया था इसका काफ़ी बड़ा सा, और यहाँ पर मैंने बनाए हैं इसके ये हाथ। तो बेसिकली हम ये बना रहे हैं छोटा सा क्यूट सा प्लांटर, जो कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मिलते हैं ऑनलाइन शॉप्स पे, बहुत सारे मिलते हैं। तो मैंने बस इसके ये उंगलियां बना दी थी, और बाय गॉड पता है जब ये बन गया था ना, उसके बाद में इतना ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था मैं बता ही नहीं सकती। अभी मतलब आप जब आगे देखेंगे ना वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही थी। और जब ये चीज़ें ना वास्तव में जब निकल के आती हैं, जो आपने इमेजिन करी होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने ये पुट्टी का बनाया है और एक मोल्डेड क्ले का। तो बस अंतर सिर्फ आपका इतना ही आता है कि एक हल्का एक भारी रहता है। बस हमने इस पर एक्रेलिक पेंट कर दिया था। एक्रेलिक पेंट होने के बाद में बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कौन सा POP का है कौन सा उसका है। तो हमने इस पर बनाया था स्किन कलर। अगर आपके पास में स्किन कलर ना हो तो मैंने इसे बनाया है बिल्कुल मतलब नाम मात्र को ऑरेंज लेके वाइट कलर में मिक्स कर दिया था। बस ये आपका स्किन कलर बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे हेयर्स बना दिए थे, एक गर्ल और एक बॉय है। तो मैंने अभी इसका नाम नहीं सोचा है, अगर आपको कोई इनका नाम सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने अभी इनका नाम नहीं सोच पाया है, लेकिन मैं रखूँगी ज़रूर इनका। तो अगर आपके पास में कोई इनके लिए नाम हो तो वो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए आईलैशेस और ये सब बनाने के बाद में इतने ज़्यादा क्यूट से लग रहे थे। फिर हम अपनी गर्ल को भी ले आए थे, तो गर्ल की आईलैशेस हमने थोड़ी सी बड़ी बड़ी रखी हैं, क्योंकि गर्ल ने, और आपको पता है मतलब मेरे पास ना इतने सारे मिनिएचर टॉयज़ हो गए हैं ना जो कि मैंने बनाए हैं। तो अब अगर मैं नेक्स्ट वीडियो सोचूंगी तो कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसमें ना मेरी सारी मिनिएचर वाली जितनी भी टॉयज़ हैं ये सब उसमें रख जाए। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा हैक आपके लिए है कि अगर आप बहुत ही छोटा सा कोई कार्टून बनाते हैं तो उसमें आप बिल्कुल बारीक ब्रश तो होता नहीं है बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपका कोई भी एक ऐसा पेन हो जो ना चल रहा हो, बस उसको लेके आपको यहाँ पे लिप्स वगैरह बना देने हैं। फिर हमने इसे पहना दी थी चूड़ियाँ, क्योंकि गर्ल्स का ऑफकोर्स शौक होता है इन सारी चीज़ों का। तो देखिए ज़रा, हमने इतना सारा ये करने के बाद में इसकी ड्रेस को रखा है ग्रीन, और बॉय की ड्रेस को रखा है हमने ब्लू, और बाय गॉड इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था ना ये। और ये जो वैसे करके बैठी है ना, बड़े आराम से सोच रही हैं कुछ बैठ के, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये बनाने के बाद में ना मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, इतने ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और जब आप ये रिक्रिएट करें ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि हाँ आपने ये रिक्रिएट किया है, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग मेरी चीज़ों को देख के थोड़ा इंस्पायर होते हैं, चीज़ें बनाते हैं। तो हमने देखे थोड़ा सा ब्लश लिया है, आपके पास में कोई भी एक आई शेडो पैलेट हो बस आपको वो ले लेनी है, और उसमें से डार्क पिंक कलर लेना है और इनको ब्लश लगा देना है। तो हमने इसमें डाली थी दिए में मिट्टी, और मिट्टी आपको थोड़ी सी ही रखनी है, क्योंकि देखिए इसमें हम वो प्लांट लगाएंगे जिसमें हमें बहुत कम पानी डालना हो। तो हमने ये लगाई थी, एक वाइन है ये, तो इसमें ना बहुत कम पानी चाहिए होता है, हालांकि मुझसे ज़्यादा पानी पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये चलेगी आराम से। तो देख लेते हैं। और ये ताक जो मैंने बनाए थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले कि मैं इसमें क्या रखूँ क्या रखूँ, देन आई रियलाइज़ कि मुझे इनमें ये रख देना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर से प्लांटर बन के रेडी हो गए थे हमारे, और ये इतने ज़्यादा क्यूट से लग रहे थे ना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हमने ये दिए से ही बनाए हैं। तो आप अगर ये रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग करिएगा इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, या फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मुझे ये बताना कि आपको आज की वीडियो में सबसे अच्छा यूनिक सा क्राफ्ट कौन सा लगा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।